अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वी स्कूल में मैं एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। पिछले तमीजी वीडियो में हमने देखा कि हमारे जिस्म के अंदरूनी आजा और बैरूनी आजा कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अंदरूनी आजा कौन से हैं और उनके अफाल क्या क्या है। इस वीडियो में हम अंदरूनी आजा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। चुनाचे फहीम के साथ आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी यानी कि सरगर्मी लेंगे, जिसके जरिए से हम अंदरूनी आजा के एक अमल को समझने की कोशिश करें। तो फहीम बेटे, ये बताओ कि हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? हवा, पानी और गिजा की जरूरत है। वेरी गुड। तो हमने देखा कि हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और गिजा की जरूरत होती है। अब हम एक एक्टिविटी के जरिए इस अमल को समझने की कोशिश करेंगे। फहीम, अपने हाथ के जरिए से नाक और मुंह बंद करो, मजबूती से दबा कर रखो और अब हम देखेंगे कि मुंह दबाने से क्या हुआ है। तो बताओ बेटे, आपने कैसे महसूस किया? घुटन महसूस हो रही थी। वेरी गुड, शाबाश। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब हम अपने हाथ के जरिए से नाक और मुंह को बंद करते हैं तो घुटन महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए से हवा, नाक के जरिए से हवा हमारे हलक के जरिए से हमारे फेफड़ों में जाती है और सांस छोड़ने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इससे यह साबित होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये एक अमल है जो अमल तनफ्फुस कहलाते हैं। आसान जबान में हम ये कहेंगे कि नाक के जरिए से ऑक्सीजन लेने का अमल और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का अमल अमल तनफ्फुस कहलाता है। तो इस एक्टिविटी से, इस सरगर्मी से हमने समझा कि अमल तनफ्फुस क्या है। बेटे आप बैठ जाओ। सुनाचे अब हम अमल तनफ्फुस को तफसील से समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, जब हम नाक के जरिए से सांस लेते हैं तो ये हवा नाक के जरिए से पहले हमारी सांस की नली में जाती है, नाक के बाद सांस की नली होती है। ये सांस की नली दो हिस्सों में मुनकसिम हो जाती है, फिर नाक की सांस की नली से ये हवा नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंचती है। यहाँ पर फेफड़े होते हैं जिसमें हवा जमा होती है और जब ये अमल पूरा हो जाता है तो फेफड़ों के जरिए से यहाँ पर हवा की छोटी छोटी थैलियां होती है जिसमें हवा जमा होती है। ये हवा फेफड़ों के जरिए से दोबारा नाक के जरिए से बाहर की जाती है। सांस के जरिए से जो हवा ली जाती है उसमें ऑक्सीजन और दूसरी गैसें मौजूद होती है। ये ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और जब दोबारा से ये हवा के जरिए से, नाक के जरिए से जब ये हवा छोड़ी जाती है तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, चुनाचे ये कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हवा नाक के जरिए से, सांस की नाली के जरिए से बाहर खारिज कर दी जाती है। फेफड़ों के बाद एक बारीक झिल्ली होती है जिसे हिजाब हाजिस कहते हैं। हिजाब हाजिस क्या है, इसके अफाल क्या है, इसको हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम।